कन्नौज जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने बुजुर्गों को फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं वैशाली। कन्नौज जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्धाश्रम एवं जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृद्ध होने के बाद इंसान को कई रोगों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण हमें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, लेकिन ये इस समाज का एक सच है कि जो आज जवान है उसे कल बूढ़ा भी होना है। इस सच से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद भी कुछ लोग वृद्धों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उन्हें शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध हमारे समाज का अमूल्य विरासत है। उन्होंने देश और समाज को बहुत कुछ दिया है, उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के जीवन की इस अवस्था में उन्हें देखभाल और ये एहसास कराए जाने की आवश्यकता है कि वृद्ध हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। जिलाधिकारी ने वृद्धजनों को कुर्ता पैजामा साड़ी गर्म कपड़े चप्पल आदि भेंट करते हुए कहा कि आपकी देखभाल के लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसी दिनचर्या बनाए रखें, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें जिससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारी, जूनियरिटी वार्ड डॉक्टर रविन्द्र कुमार साहू सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे।